ये सीन में मैं बेसिकली अरमान डिलेमा में है कि दादी को चूज़ करे या अबीरा को, और रूही बाहर से देख रही है और रूही सोच रही है कि कहीं ये अबीरा को ना चूज़ कर ले. तो उस सेंस में रूही भी पेशेंटली देख रही है कि अभी मतलब एक्चुअली में अरमान के दिमाग में चल क्या रहा है, और वो सोचती है कि कुछ बात करे या कुछ बोले. इतने में ही अरमान उठते हैं और कहीं चले जाते हैं. एंड देन रूही भी सोचती है कि इतना डिटर्मिन होके, इतना अपना मन बना के अरमान कहाँ जा रहा है. फिर देखते हैं अरमान कहाँ जा रहा है, और अरमान ने कुछ तो डिसीजन लिया है. अब वो क्या डिसीजन है वो पता चलेगा इसके बाद. और सब लोग आए बाहर। रोहित नीचे बैठा बाइक ठीक करने की तमीज ही कर रहा है। देखता है रोहित, देखती आंख भड़के। बस मैं बीच में एंट्री लेकिन आंख में घी डाल देती हूँ। शायद अब मैं बीच में एंट्री लेके आंख में घी डाल देती हूँ, शायद रोहित अपना इरादा बदल दे। उससे भेजा था कि उससे इस बात का बदला लेंगे। हाँ मैं उससे भी लड़की को कौन सा बुझा कि वो दिन शायद कभी ना आए। फिर भाई आगे पीछे आ जाना ना। एक्शन फोकस पीछे कंटिन्यू। करके इस बात का बदला लेंगे। उसकी ऑप्शन क्या है? अफीरा चाहती है कि दादी सर खुद आगे बढ़कर उसे अपनाए। अफीरा का उनका प्यार, उनका आशीर्वाद चाहना भी तो गलत नहीं है। सबसे पहले तो अबीरा का नाम जपना बंद करो। बॉल फोकस आगे डिसाइड किया, निकला For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.